दोस्तों, शरीर में थायराइड हार्मोन नामक रसायन बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म और शरीर के अन्य जरूरी कामों को नियंत्रित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी आयोडीन डेफिशिएंसी का एकमात्र कारण थायराइड का लो फंक्शन नहीं है। स्किन आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से विस्तार हो सकता है, जिसे घेघा रोग या गनमाला गोइटर के रूप में जाना जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। यह बच्चों में मानसिक अक्षमता का कारण बन सकता है। शरीर में आयोडीन की कमी को दूर करने वाले खाद्य पदार्थ। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से आयोडीन का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए इस पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे पास आहार का विकल्प मौजूद है। वयस्कों को आमतौर पर प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 200 माइक्रोग्राम आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन कई प्रकार के खाद्य पदार्थों आयोडीन सोर्सेज ऑफ फूड में पाया जाता है, जैसे मछली, अंडे, नट, मांस, ब्रेड, दुग्ध उत्पाद और आयोडीन युक्त नमक आदि। आयोडीन की कमी शरीर में होने वाले रोग आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज इन हिंदी। जब शरीर में आयोडीन की कमी होने पर उसका उपचार नहीं किया जाता है तो यह एक गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण बनता है। आयोडीन की कमी पूरी नहीं होने पर और भी कई जटिल समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हृदय संबंधी बीमारियां जैसे हार्ट फेलियर और हृदय का बढ़ जाना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद और याददाश्त में कमी, शरीर की पेरिफेरल नर्व का डैमेज हो जाना, इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के रूप में भी जाना जाता है, खराब ओव्यूलेशन जो महिला में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। आयोडीन की कमी से गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कम मात्रा उनके बच्चे के जन्म दोष के जोखिम को बढ़ा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में आयोडीन की कमी के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भपात समय से पहले प्रसव, जन्म से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाना, नवजात शिशु में जन्मजात असामान्यताएं। कुछ गंभीर मामलों में आयोडीन की कमी से क्रीटिनिज्म नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।